ये तो धूपिया मैडम की इट्स हर चॉइस वाली मूवी लग रही है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी कॉर्नर वीडियो में। कैसे हैं आप? तो दोस्तों, आज मैंने ट्रेलर देखा गिन्नी वेड्स सनी का, और भाई साहब ये ट्रेलर देख के मैं इस मूवी के मेकर्स को सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो आप लोग। कॉन्ट्रोवर्सी को मूवी में बदल दिया, बहुत तेज हो रहे हो। मजाक कर रहा हूँ। तो दोस्तों, गिन्नी वेट सनी का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, और भाई साहब ट्रेलर देखने में एक नंबर है। और दोस्तों, ट्रेलर देख के इस मूवी की स्टोरी कुछ ऐसी ही लग रही है कि एक लड़का होगा जिसका नाम होगा सनी, जिसका रोल निभाया हमारे विक्रांत मैसी ने। और भाई साहब, ये जो सनी है ये एक लड़की की फिराक में होगा, वैसी फिराक में नहीं, शादी करने के लिए एक लड़की की फिराक में होगा। लेकिन इस सनी को वैसी लड़की मिल ही नहीं रही होगी जैसी कि वो लड़की चाहता है। फिर स्टोरी में एंट्री होती है एक गिन्नी नाम की लड़की की। ये नाम बोलने में बड़ी परेशानी हो रही थी मेरे को। और दोस्तों, ये जो गिन्नी है, इसके पेरेंट्स ने इसको इतने लड़के दिखा दिए, लेकिन इसने सारे लड़कों को रिजेक्ट कर दिया, सारे लड़कों को हवा कर दिया। यार, उन लड़कों के दिल पे क्या बीती होगी। और दोस्तों, ये जो गिन्नी है ये कहती है अगर ये शादी करेगी तो सिर्फ लव मैरिज वाली शादी ही करेगी। अब तो आप जानते ही हैं दोस्तों क्या होगा, इधर शादी के लिए उतावला सनी, इधर लव मैरिज की मारी गिन्नी, दोनों का मिलन होना तो निश्चित ही है यार। तो दोस्तों, दोनों फिर एक शादी पर मिलेंगे और सनी को फर्स्ट साइट लव हो जाएगा गिन्नी के साथ, मतलब उसको देखते ही गिन्नी के साथ प्यार हो जाएगा सनी को। फिर दोस्तों, जो सनी है ना, ये गिन्नी को सेट करने की कोशिश करेगा, लेकिन स्टार्टिंग में तो गिन्नी इसको भाव डालेगी नहीं, बड़ी बेइज्जती करेगी इसकी, जो एज यूजुअल इंडिया में होता है बाबू थोना के बीच। लेकिन दोस्तों, उसके बाद सनी ठानेगा अगर वो शादी करेगा तो सिर्फ गिन्नी से ही करेगा। फिर दोस्तों, दोनों में धीरे 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 थोड़ी नोक झोंक के साथ प्यार हो ही जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर स्टोरी में ट्विस्ट ही ना आए तो स्टोरी चलेगी कहां से। तो दोस्तों, जो गिन्नी है ना, इसकी ऑलरेडी ही पहले से ही कई लड़कों के साथ बाहर सेटिंग्स हो रखी होंगी, तब फिर वो लड़के वापस आएंगे और भाई साहब गिन्नी को कहेंगे अगर तूने हमारा प्रपोजल नहीं एक्सेप्ट किया तो भाई साहब तेरी सारी पोल पट्टी खोल दी जाएगी। तभी दोस्तों मैंने कहा मुझे ये सिचुएशन इट्स हर चॉइस वाली लग रही थी। दोस्तों, मेन है इस मूवी का कॉन्सेप्ट, इन्होंने कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया चुना है यार। आजकल तो आते जाते बाबू थोना पर ऐसी सिचुएशन गिर जाती है, तो इसके ऊपर मूवी बनाना क्यों नहीं जचता यार। और दोस्तों, यामी गौतम और विक्रांत मैसी दोनों ने अपना रोल क्या इतना जबरदस्त निभाया, अरे ट्रेलर में ही दिख रहा है यार कि कैसे यामी गौतम ने एक बिगड़ैल लड़की का रोल और विक्रांत मैसी ने एक दिलफेक डेडिकेटेड लौंडे का रोल जो निभाया है ना, कितना जबरदस्त लग रहा है यार। अरे इन दोनों की ही वजह से ये पूरा ट्रेलर खिंचता चला जा रहा है यार। और भाई साहब, मुझे लग रहा है यार इस मूवी के जो गाने होंगे ना वो तो जबरदस्त होंगे यार। इनका जो पहला गाना आया था LOL LOL, वो तो इतना जबरदस्त गाना था, मैंने तो उसको भाई 4 से 5 बार सुना, सुन के मजा आ गया, मुझे इतने जबरदस्त लिरिक्स लग रहे थे उस सॉन्ग के। और भाई साहब, ट्रेलर में ही हमें देखने को मिल रहा है कि इस सॉन्ग में बादशाह भी देखने को मिलेंगे, ये LOL वाले में नहीं, जो और सॉन्ग है इस मूवी के उसमें हमको बादशाह भी देखने को मिलेंगे। अगर जिस मूवी में बादशाह है तो उन्होंने गाया भी होगा, और भाई साहब जहां पे उन्होंने रैप गाया तो भाई साहब सुन के तो मजा आना ही है। और दोस्तों, ओवरऑल मेरे हिसाब से ये मूवी तो जबरदस्त होने ही वाली है, चाहे वो इसके गाने से रिलेटेड हो, स्टोरी से रिलेटेड हो, एक्टिंग से रिलेटेड हो, चाहे और भी कुछ हो, स्क्रीन प्ले हो, सिनेमाटोग्राफी हो, सभी चीजें इस मूवी में तो मुझे बढ़िया ही लग रही है यार, किसी में कमियां निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, अब वेट रहता है 9 अक्टूबर का, जब ये मूवी रिलीज होगी नेटफ्लिक्स पर, मेरे से तो इंतजार ही नहीं हो रहा। तो दोस्तों, ये थी मेरी ट्रेलर रिव्यू वीडियो इस गिन्नी वेट सनी की। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन है उसको ऑल पे रखें, जैसे ही मैं कोई आगे इंटरेस्टिंग वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सीधा आपके पास आए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, टाटा गुड बाय, टेक केयर।